हेलो एवरीवन, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट जारी होने की जो प्रतीक्षा है, देश भर के लाखों छात्र छात्राएं कर रही हैं। इसी बीच दोस्तों, सीबीएसई ने निर्देश दिया अपने समस्त अधिकारियों को कि वे देश भर के जितने भी सीबीएसई से संबंधित स्कूल हैं उनका निरीक्षण करें और ये पता लगाएं कि जो भी सीबीएसई द्वारा निर्देश दिए गए हैं रिजल्ट तैयार करने के लिए, उसका सही से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, सीबीएसई को ये जानकारी मिली है कि बहुत से स्कूल में बहुत से जो टीचर हैं वो छात्रों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अब ये बात कितना सही है कितना गलत दोस्तों, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, परंतु इसी की वजह से सीबीएसई ने अपने समस्त अधिकारियों को टीम बनाकर भेजा है कि वो उन सभी स्कूलों में जाकर देखें और पता लगाएं कि जो भी क्राइटेरिया सीबीएसई द्वारा दिया गया था, उस क्राइटेरिया का सही प्रकार से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है दोस्तों। और इससे संबंधित सभी जानकारी दोस्तों जो है वो अधिकारी लोग 12 जुलाई तक सबमिट करेंगे कि जो सीबीएसई द्वारा नियम दिए गए थे रिजल्ट तैयार करने के लिए, जो क्राइटेरिया दिया गया था, वो सही प्रकार से पालन किए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो 12 जुलाई को दोस्तों वो जितने भी अधिकारी औचक निरीक्षण करने के लिए जाएंगे। और ये भी इसमें एक छोटी सी बात ये भी है दोस्तों कि सीबीएसई ने अधिकारियों से कहा कि वो जिस भी स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए जाए, उन स्कूलों को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए, यानी उन्हें पहले से पता नहीं होगा कि किस स्कूल में सीबीएसई के अधिकारी जो है निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं, ताकि सीबीएसई 100% अपने आप को देख सके कि जो हमने काम दिया है स्कूलों को, उसी काम के आधार पर स्कूल रिजल्ट तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये थी दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट, यानी कल 12 जुलाई तक जो सीबीएसई जित तमाम आला अधिकारी हैं, जो भी क्षेत्र अधिकारी हैं, वो अपने जो नोट्स हैं जो वहाँ से तैयार किए जाएंगे, उन सभी को 12 जुलाई तक सीबीएसई को सबमिट करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में हो सकता है रिजल्ट में थोड़ी देरी हो जाए। ऐसे तो सीबीएसई द्वारा कहा गया कि 15 जुलाई तक और 15 जुलाई 20 जुलाई तक क्लास 10वीं के और 31 जुलाई तक क्लास 12वीं के जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिए जाएंगे, पर ऐसे में थोड़ी देर भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये जो खबरें सुनने में आ रही है दोस्तों कि सीबीएसई के स्कूलों द्वारा जो स्कूल के टीचर हैं वो बच्चों से पैसे की मांग कर रहे हैं उन्हें अच्छे नंबर देने के लिए, तो ये खबर अगर सच है तो ये दोस्तों बहुत ही बुरी खबर है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज के लिए सबसे बड़ी खबर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर कर दें, इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।